जिनको टीडीएस हायर रेट से कट करना था और उन्होंने टीडीएस नहीं किया है अगर हायर रेट से, तो उनको डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहे हैं कि आपने इनसफिशियंट टीडीएस डिडक्ट करके पे किया है, तो अब हायर रेट से टीडीएस पे कीजिए विद इंटरेस्ट। तो उनके लिए अब बहुत बड़ी रिलीफ आ गई है और उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सर्कुलर इश्यू हुआ है अभी अभी रिसेंटली ऑन 23 अप्रैल 2024। एक्चुअली इश्यू क्या था, 1 जुलाई 2023 से, जैसे कि आप मेरा ये आर्टिकल देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं इसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इसका सर्कुलर भी मैं आपको शॉर्टली दिखा रही हूँ। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि 1 जुलाई 2023 से लोगों के पैन इनऑपरेटिव होने लगे थे जिन्होंने अपने पैन आधार से लिंक नहीं किए थे टिल 30 जून 2023, करेक्ट। तो 1 जुलाई से वो इनऑपरेटिव हो गए थे, और ऐसे इनऑपरेटिव पैन पे अगर किसी को टीडीएस डिडक्ट करना है, लाइक समझो मैं टीडीएस डिडक्टर हूँ और किसी को जब मैं पेमेंट करती हूँ तो मुझे टीडीएस डिडक्ट करना था, तो नॉर्मल रेट से नहीं करके मुझे हायर रेट से, मतलब 20% रेट से टीडीएस या टीसीएस करना है अगर उनका पैन इन ऑपरेटिव है तो। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे कुछ ध्यान में नहीं था कि उनका पैन ऑपरेटिव है नहीं है, उन्होंने कोई स्टेटस चेक नहीं किया और नॉर्मल रेट से टीडीएस डिडक्ट कर लिया, और उन लोगों को फिर गवर्नमेंट से नोटिस जाने लगे कि आपने हायर रेट से टीडीएस नहीं किया है तो अब हायर रेट से टीडीएस पे कीजिए विद इंटरेस्ट। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी ग्रेविंसेस सबमिट की कि ऐसे इनसफिशियंट टीडीएस डिडक्ट हुआ है, और उसकी वजह से फिर गवर्नमेंट ने उनको एक रिलीफ दी है। आपकी जो ऐसे डिडक्टी है, अगर उनका पैन 31 मई 2024 तक ऑपरेटिव हो जाता है तो आपको टीडीएस हायर रेट से डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक रिलीफ दे रही है टीडीएस और टीसीएस डिडक्टर्स को। चलिए देखते हैं क्या है ये सर्कुलर, मैं आपको सर्कुलर दिखा देती हूँ। जैसे सर्कुलर नंबर 6 23 अप्रैल 2024 को इश्यू किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या क्या बोला है कि उन्होंने जो सर्कुलर इश्यू किया था 28 मार्च 2023 को, उसमें बोला था कि आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा 30 जून के बाद अगर आपने उसको आधार से लिंक नहीं किया है तो, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी देख लेते हैं, कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा और रिफंड का कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। और ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट इम्पोर्टेंट था जिसमें बताया था कि अगर आप पे टीडीएस, आपकी पेमेंट पे टीडीएस होने वाला है तो वो भी 20% रेट से होगा, हायर रेट से, मतलब 20% रेट से। टीडीएस और टीसीएस दोनों की बात हुई है, राइट। तो ऐसे सर्कुलर इश्यू हुए थे, भी बताया था कि इट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023 एंड कंटिन्यू टिल द पैन बिकम्स ऑपरेटिव, राइट। दिस वॉज अ सर्कुलर इन 2023, अगस्त 2023 में। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ ग्रेवेंसीज इश्यू हुए डिपार्टमेंट ने, इसलिए डिसाइड किया कि अब टीडीएस और टीसीएस डिडक्टर को जो नोटिसेस जा रहे थे या उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको थोड़ा रिलीफ दिया जाए। और फिर अब ये सर्कुलर इश्यू किया है कि अगर जितने भी ट्रांजेक्शन आपके अकर्ड हुए हैं बिफोर 31 मार्च 2024, उसका आपने हायर रेट से टीडीएस नहीं किया है, अगर आप एलिजिबल है हायर रेट टीडीएस करने के लिए लेकिन आपने उन ट्रांजेक्शन पे हायर रेट से टीडीएस नहीं किया है, हायर रेट टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं रहेगी अगर उनका पैन 31 मई 2024 से पहले ऑपरेटिव हो जाता है। तो अगर आप टीडीएस या टीसीएस डिडक्टर है और ऐसे कोई आपके डिडक्टी है जिनके पैन इनऑपरेटिव है, और अगर 31 मार्च 2024 से पहले कोई ऐसे ट्रांजेक्शन हुए है जिसपे आपने टीडीएस नॉर्मल रेट से किया है, हायर रेट पे नहीं किया था, तो आपके ऐसे डिडक्टी को आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि उनके पैन और आधार अभी के अभी लिंक कर दे, क्योंकि 31 मई 2024 तक उनका पैन ऑपरेटिव दिखना चाहिए। मैंने अपनी इस आर्टिकल में सारी डेट्स को हाईलाइट किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कि 31 मई 2024 से पहले हुए ट्रांजेक्शन पर ही एप्लीकेबल है, और आपका पैन ऑपरेटिव हो जाना चाहिए 31 मई 2024 तक, राइट। और आपको ये ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2024 से जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसपे अगर हायर रेट से टीडीएस एप्लीकेबल है तो वो तो आपको करना ही है, उसपे आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ये एप्लीकेबल है फॉर द ट्रांजेक्शन अंटिल 31 मई 2024, और उसके लिए आपको पैन ऑपरेटिव करवाना है अपने डिडक्टी का बिफोर 31 मई 2024। तो आप मान लीजिए कि आपको आज ही उनसे पैन और आधार लिंक की रिक्वेस्ट दिलवानी है, क्योंकि पैन और आधार लिंक होने के बाद भी उसका स्टेटस ऑपरेटिव, इन ऑपरेटिव से ऑपरेटिव इमीडिएटली नहीं होता है, आप गिन लो 15 से 20 डेज तो लग ही जाता है स्टेटस चेंज होने में, और कभी कभी उससे ज्यादा भी लग जाता है। तो आपके लिए तो ड्यू डेट हो जाएगी पैन और आधार लिंकिंग की 10th मई और 15th मई,
राइट। तो उसके पहले आपको आपके डिडक्टी का पैन और आधार लिंक करवा लेना है। अभी भी आप केयरफुल रहिए, किसी का भी आप टीडीएस करते हैं तो आपको देखना है कि उनका पैन और आधार लिंक है कि नहीं। आप इनकम टैक्स वेबसाइट पे जा, ट्रेसिस की वेबसाइट पे जाके आपके डिडक्टी का पैन स्टेटस चेक कर सकते हैं, वो ऑपरेटिव है कि इनऑपरेटिव है, और वहां से आपको फिर पता लगेगा कि आपको उनका कौन से रेट से टीडीएस करना है, नॉर्मल रेट से या हायर रेट 20% पे। सो आप आपके डिडक्टी को चेक कर लीजिए, उनका पैन आधार लिंक है कि नहीं है, और अकॉर्डिंगली आपके डिडक्टी को इन्फॉर्म कीजिए पैन और आधार लिंक करने के लिए। इस आर्टिकल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, पैन आधार कैसे लिंक करते हैं उस वीडियो की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, और साथ में आपके लिए मैंने ये सर्कुलर भी यहाँ पे अपलोड कर दिया है, आप यहाँ पे आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपकी कुछ नॉलेज गेन हुई है इससे, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, लोगों तक भी शेयर करें, ताकि और भी डिडक्टर्स को, टीडीएस या टीसीएस डिडक्टर्स को इसकी इन्फॉर्मेशन मिले, अगर उनको भी नोटिस रिसीव हुई है तो उनको भी इन रिलीफ के बारे में पता चले और अपने डिडक्टी को वो इन्फॉर्म कर पाए कि उनका पैन और आधार टाइम पे लिंक कर दे। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं।